ये हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन पर। और देखो, आप सभी ने हमें इतने प्यार से कहा था कि रो पीरो भैया वाइस टाउन की वीडियो लाओ, तो लो हम आ गए हैं अपने वाइस टाउन में तहलका मचाने के लिए। और अब हम यहाँ आ गए हैं तो रंग जमा देंगे, मौज उड़ा देंगे ये। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इससे हमारी बहुत मदद होती है। और देखो, बातों ही बातों में हम लोग तो अपने नंगू पंगू टिप्सन दादा के पास भी आ गए। अरे टिप्सन दादा, कैसे हो? अरे सट्टा प्रो पीरो, मुझे नंगू पंगू कैसे बोल रहा है तू? और तुझे वाइस टाउन में आने में इतना टाइम क्यों लग गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे तुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या इम्पोर्टेंट बात है टिप्सन दादा, जल्दी से बता दो ना, अब मुझसे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। छोटे, ऐसे तड़पने की जरूरत नहीं है और मेरी बात ध्यान से सुन। सुनाओ टिप्सन दादा, मैं कान खोल कर सुन रहा हूँ। रो पीरो, कल रात को जब मैं सोया हुआ था ना, तो हमारे वाइस टाउन में नेक्सस वालों ने वक्त बदल दिया, जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए, बोले तो पूरा वाइस टाउन ही बदल दिया। ना भैया, ये कोई मजाक हो रही है? छोटे, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? अगर विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर खुद चेक कर ले। ओहो टिप्सन दादा, नाराज क्यों होते हो, मुझे तो खुद से भी ज्यादा आप पर विश्वास है। अच्छा और बताओ, क्या कुछ अपडेट हुआ है? ओए मेरे प्यारे रो पीरो, वो तो तुझे खुद ही चेक करनी पड़ेगी, मगर जब आज सुबह मैं उठा ना, तो मुझे अपने अंदर भी बहुत बदलाव सा महसूस हुआ। भैया कैसा बदलाव, आप तो पहले भी चड्डी में ही थे और अभी भी चड्डी में ही हो। ओए रो पीरो, ज्यादा बकवास मत कर, वरना इसी चड्डी से तेरी पिटाई करूंगा। वाओ वेरी डेंजरस। ओहो टिप्सन दादा, गुस्सा मत करो, मैं अभी जाता हूँ और नई अपडेट का पर्दाफाश करके आता हूँ। चलो दोस्तों। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। आ जाओ दोस्तों, आज तो हमें अपने पूरे वाइस टाउन की अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी। पता नहीं टिप्सन दादा कौन सी अपडेट की बात कर रहे थे। देखो ये पेंटिंग तो अभी भी वैसे ही लगी हुई है जैसे पिछली अपडेट में थी, मगर उधर क्या है? दोस्तों ये तो पिछली अपडेट वाला रमजान मुबारक वाला ही बोर्ड है, यहाँ तो कुछ भी अपडेट ही नहीं हुआ। लेकिन उस तरफ क्या है, चलो जाकर देखते हैं। और ये हम चले, वाह भाई वाह, ये तो कुछ शानदार लग रहा है। OMG, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर तो कितने अच्छे अच्छे पोस्टर लगे हैं, कितना अच्छा मैसेज दिया है वाइस टाउन की इस अपडेट ने। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या बोलते मियां भाई? दोस्तों ये नई अपडेट तो बड़ी ही कमाल की है, और अगर आपको भी ये अपडेट चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको भी ये अपडेट कैसे मिलेगी। दोस्तों हमने ये पोस्टर तो देख लिए, मगर हमारे वाइस टाउन में तो और भी अनोखे अनोखे पोस्टर लगे होते हैं। चलो हम जल्दी से उसी तरफ चलती है और उन पोस्टर पे देखती है, क्या पता वहां हमें कुछ और भी शानदार मैसेज मिल जाए, बोले तो एकदम ओपी। अरे ये ओपी नहीं, ये तो सुपर से भी ऊपर है। देखो यहाँ इस पोस्टर पर तो ईद मुबारक लिखा है और साथ में लिखा है विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल ईद। देखो दोस्तों यहाँ पर तो वाइस टाउन वालों ने कितने अच्छे अच्छे और प्यारे मैसेज दिए हैं कि हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, अगर हम एक साथ रहेंगे और सभी के त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, तभी तो हमारा इंडिया और भी आगे जाएगा और इससे हम भी आगे से आगे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर जल्दी से लाइक की बौछार करवा दो, और अगर आपको ये पेंटिंग बहुत ही प्यारी लगी है, बोले तो दिल को छू गई है, तो कमेंट बॉक्स में दो हार्ट ड्रॉप कर दो।
और दोस्तों हम यहाँ पर तो आ ही गए हैं, तो चलो जल्दी से अपने कर्नल अंकल के पास भी मिलने चलते हैं। ये मैं कर देता हूँ अपने रोस्टर को ऑर्डर, देखो ये तो आ भी गई। इतनी उल्टी पुल्टी हो गई है हमारी रोस्टर, तो चलो अब जल्दी से अपने वाइस टाउन को भी उल्टा पुल्टा कर देंगे। चलो चलो सीधी हो जा मेरी रोस्टर, और देखो ये तो लगभग सीधी हो भी गई, तो चलो जल्दी से हम इसमें बैठकर चलते हैं अपने कर्नल अंकल के पास। और मुझे याद है कर्नल अंकल के पास जाने का एक शॉर्टकट भी है जिसमें हम पूरी नदी को जंप लगाएंगे। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और नदी के जंपर का रास्ता तो इधर से ही है। मैं जल्दी से अपने रोडस्टर को फुल स्पीड में कर लेता हूँ, और ये रहा हमारे सामने जंपर, और ये हम चले। वाह भाई वाह, पानी में से रोडस्टर बाहर निकाल ली, आज तो मैं कई दिन बाद नहाया हूँ। और मुझे इस पहाड़ी पर अपनी रोडस्टर को संभाल कर चलाना होगा क्योंकि यहाँ पहिए स्लिप हो सकते हैं। चलो हम पहाड़ी से तो आगे आ गए, और ये रहे हमारे कर्नल मियाँ। अरे कर्नल मियाँ कैसे हो? सलाम रोपी रो मियाँ, आज हमारे दर्शन करने को कैसे आना हुआ? ओहो कर्नल अंकल, अपने रोपीरो वाइस टाउन में बहुत ही मस्त अपडेट आ गई है, आ जाओ इसी खुशी के मौके पर मैं आपको कुल्फी खिलाने ले चलता हूँ। अरे नक्को रोपीरो मियाँ, आज अपना रोजा है और रोजे के दिन अपन कुछ नहीं खाता, कुछ भी नहीं। ओहो कर्नल अंकल, आपने रोजे रखे हैं और मुझे बताया ही नहीं, मैं भी आपके साथ रोजे रख लेता। अरे रोपी रो मिया, तुम रोजा कैसे रख सकता है? अरे कैसी बातें करते हो कर्नल अंकल, जब आप हम सबके साथ मिलकर शिवरात्रि और जन्माष्टमी मना सकते हो, होली दिवाली हम साथ साथ मनाते हैं, तो मैं आपके रोजे क्यों नहीं रख सकता? अरे रोपी रो मिया, तुम्हारा बात तो 100% सच है, और अभी देखो दोपहर है और मुझे खाना खाने में बहुत वक्त है। तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, तो मैं तुम्हारे को नई अपडेट का एक सीक्रेट बताता हूँ जो इसी अपडेट में हुआ है। क्या भैया, नई अपडेट का सीक्रेट आपको भी पता है? जल्दी से बता दो ना, अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। रोपी रो मियाँ, बताने का नहीं दिखाने का अपडेट है, तुम ऐसा करो अंदर जाकर देखो। तो चलो दोस्तों जल्दी से मिलिट्री बेस के अंदर देखते हैं कि क्या है। ओहो वो देखो, अपना मिलिट्री बेस का टैंक तो एकदम नए रूप में आ गया है, ये तो बिल्कुल चकाचक लग रहा है भाई। तो इतना सोचना क्यों, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। ये देखो भाई इतना प्यारा टैंक, मैं जरा इसको चारों तरफ से देख तो लूं। हट जाओ आर्मी वालों, मुझे बैठने दो। हाहा यार ये तो हमारे पीछे ही लग गए, जल्दी से इनकी वाट लगाता हूँ और टैंक को लेकर फुर हो जाता हूँ। अरे कर्नल मियाँ ईद को तैयार रहना, मेरे पास आपके लिए भी एक सरप्राइज है। चलो दोस्तों टैंक को ले चलती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि भला मेरे पास कर्नल अंकल के लिए कौन सा सरप्राइज है। अरे यार जब कर्नल अंकल ने हमें इतना प्यारा टैंक दिलवा दिया, वो भी चुटकियों में, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना ही चाहिए। तो उनके लिए इस बार ईद पर हम एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम कर देंगे, और ये पार्टी बिल्कुल सरप्राइज होगी, किसी को बताने का नहीं। ओहो यार अभी तक हमने पार्टी की लोकेशन तो डिसाइड करी ही नहीं, हमें कहाँ पर पार्टी करनी चाहिए? कैसीनो में पार्टी कर ले क्या? नहीं नहीं कैसीनो तो छोटा सा है, हम पार्टी करेंगे सिनेमा हॉल में, क्योंकि वो है बहुत बड़ा, अब आएगा ना मजा। मगर वो देखो फ्रेंड्स, हमारा तो रोपीरो वाइस टाउन में चांद निकल आया, और ये तो एकदम अलग लग रहा है, बिल्कुल शानदार। वाह भाई ये नई अपडेट तो मेरे दिल को छू गई। चलो दोस्तों चांद को छोड़ो, और अब हम जल्दी से चलते हैं सिनेमा हॉल की तरफ, हमने बुकिंग भी तो करनी है। और देखो आपने इस टैंक में कुछ नोटिस किया, इस टैंक पर लिखा है ईद मुबारक, मतलब कि ये टैंक स्पेशल इसी अपडेट के लिए आया है, ये तो एकदम धमाल है। और देखो हम तो अपने सिनेमा हॉल पे भी पहुंच गए। रुक जा रो फिर, क्या करता है रे तेरी तो
ओहो, आया बड़ा हमें रोकने वाला। ये देखो दोस्तों, हमारे रोपीरो वाइस टाउन के सिनेमा हॉल में कितना बदलाव हो गया है। ये तो एकदम मस्त लग रहा है। छत पर डीजे लाइट्स लग गई है और इसका फ्लोर भी एकदम चकाचक हो गया है यार। और हम तो इस तरफ आकर पार्टी करेंगे और धूम मचा देंगे, क्योंकि हमारे वाइस टाउन में आ गई है एकदम नई ईद की अपडेट। चलो ऐसे ही ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते और जल्दी से इसको बुक कर लेते हैं। अरे बुकिंग वाली मैडम तो यहीं पर बैठती है। मैडम जी, मेरे लिए ये सिनेमा हॉल बुक कर दो, क्योंकि मैं अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करूँगा। रोप हीरो सर जी, कितने दोस्तों के लिए बुक करूँ? मैडम जी, इसमें सोचना कैसा, मैं और मेरे कर्नल मिया हम पार्टी करेंगे। बस दो लोगों के लिए इतना बड़ा हॉल बुक कर रहे हो? यहाँ पर तो पूरा वाइस टाउन पार्टी कर सकता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने और दोस्तों को भी बुला लो? मैडम जी, आप बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन मैं किन दोस्तों को बुलाऊं? आइडिया मैं अपने व्यूअर से पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा हम इतने बड़े सिनेमा हॉल को बुक करने तो आ गए, मगर हम किन किन दोस्तों को बुलाएं? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आप जिन जिन का भी नाम लोगे, हम इस बड़ी सी पार्टी में उन सबको इनवाइट करेंगे खुद जाकर। अरे रोपीरो सर जी, जल्दी बताओ कब का बुक करूं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैडम जी, ईद वाले दिन का बुक कर दो। तो चलो दोस्तों, हमारा सिनेमा हॉल तो बुक हो गया और अब हम करेंगे अपने सभी दोस्तों को इनवाइट। तो अब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी दोस्तों का नाम बताओ और हम उन सबको इनवाइट करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है और मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, अब घर पर जाकर आराम करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इसको लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो, उनको भी तो पता चले कि हमारे रोपीरो वाइस टाउन में इतनी धाकड़ अपडेट आ गई है। और स्क्रीन पर आपको हमारी और भी शानदार वीडियोस दिख रही होंगी, इन्हें भी देख लो ना। तो ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।